देखिए डायल 112 ये कंट्रोल रूम नहीं है, ये डायल 112 कॉल सेंटर है। इसका प्राइमरी कॉल सेंटर नवी मुंबई में है और सेकेंडरी कॉल सेंटर लकड़गंज नागपुर में है, और इसमें राज्य के हर जगह से कॉल्स इस दोनों कॉल सेंटर्स पे आते रहते हैं। वहाँ पे जो कॉल टेकर्स होते हैं वो उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहाँ से कॉल आ रहा है ये भी पता चलता है, और कॉल किस पुलिस यूनिट से संबंधित है ये भी उनको जानकारी मिलती है। उसके आधार पे डायल 112 कॉल सेंटर उस कंट्रोल रूम को ये माहिती देती है। इसी प्रकार की एक आपत्तिजनक कॉल कल दोपहर में आई थी और एक आपत्तिजनक कॉल कल रात को भी आई थी। वो मुंबई से दोपहर वाला विषय मुंबई पुलिस से संबंधित था और शाम वाला विषय नवी मुंबई पुलिस से संबंधित था, इसलिए वो दोनों की जानकारी मुंबई पुलिस और नवी मुंबई पुलिस को दी गई थी। इसके बारे में चूंकि नागपुर पुलिस का कोई संबंध नहीं है, इसके बारे में हमारे तरफ से कोई भी टिप्पणी करना योग्य नहीं होगा। इस कॉल की पूरी जानकारी मुंबई पुलिस को दी गई थी और उनके तरफ से ज़रूर तहकीकात हो रही होगी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। मैंने बताया कि कॉलर जो दोपहर की कॉल थी वो कॉलर भी मुंबई का था और जो घटना के बारे में वो जानकारी दे रहा था वो भी मुंबई पुलिस से संबंधित था, इसलिए वो जानकारी मुंबई पुलिस को बताई गई। नवी मुंबई में कोई भी कॉल जब राज्य में होता है तो वो 112 के नवी मुंबई के कॉल सेंटर पे या लकड़गंज नागपुर के लकड़गंज कॉल सेंटर पे लैंड होता है और वहाँ से कॉल टेकर द्वारा जानकारी लेने के बाद संबंधित पुलिस यूनिट को वो चीज़ बताई जाती है। अब वो कॉल जो था वो मीडिया में ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया चूँकि इसमें नागपुर पुलिस का कोई संबंध नहीं है, इस पर मेरे तरफ से टिप्पणी करना योग्य नहीं है।